सरकार ने प्रदेश में डायल 100 की शुरुआत लोगों तक तत्काल सहायता पहुंचाने के लिए की थी, लेकिन फतेहपुर में डायल 100 की गाड़ी वसूली करने में लगी हुई है। मामला फतेहपुर जिले के थरियाम थाना क्षेत्र का है, जहां नेशनल हाईवे 2 पर डायल 100 की गाड़ी चलते ट्रकों से वसूली करने में लगी हुई है। आप तस्वीरों में देख सकते हैं कि कैसे पहले डायल 100 की गाड़ी ट्रक का पीछा करती है और फिर चलते ट्रक से हेल्पर से पुलिस कर्मी पैसे ले लेते हैं। वहीं वीडियो वायरल होने के बाद एसपी ने मामले में जांच के आदेश दिए और जांच के बाद कार्रवाई का आश्वासन दिया। वीडियो वायरल हुआ है जिसमें 100 नंबर गाड़ी द्वारा कुछ लेने का मामला आया है, थरियाम थाना क्षेत्र का मामला। उस संबंध में सीओ को जांच दे दी गई, जांच के पश्चात जो मतलब कर्मचारी नाम जिसका आएगा उसके विरुद्ध कार्रवाई करूंगा, सस्पेंड करके उनके विरुद्ध कार्रवाई की, उसी भी दोषी जो वसूली करना पक्षा मिल जाएगा। फिलहाल एसपी मामले में जांच के बाद कार्रवाई का आश्वासन दे रहे हैं, लेकिन बड़ा सवाल ये है कि आखिर कब ब्रश पुलिस कर्मियों पर लगाम कसी जाएगी, जो सरेआम हाईवे पर रिश्वत लेते हुए दिखाई देते हैं। पंजाब केसरी टीवी के लिए फतेहपुर से नितेश श्रीवास्तव की रिपोर्ट।